नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेश जाने वाले खास तौर से जो जिनकी चाहत होती है कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड, समझ गए, ये जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां जापान वगैरह जो अच्छे अच्छे देश हैं, बड़े देश हैं जहां उनके सपने पूरे हो सकते हैं। जी हाँ, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे उड़ता पंजाब। हालांकि पंजाब का एक टॉपिक है, बाकी ये बात हर जगह लागू होती है और ख़ास तौर से 90% पंजाब के लोगों पे लागू होती है। आप लोग, क्या होता है, पंजाब उड़ रहा है, उड़ने का मतलब क्या होता है भाई, ये जो देश मैंने बताया इन देशों में जाने की लोगों की ख्वाहिश होती है और ख़ास तौर से बता दूँ उनके सपने ज़्यादा बड़े होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। और पंजाब और हरियाणा इधर के लोगों के पास ज़मीन, आपको पता, उपजाऊ ज़मीन है, महंगे भाव बिकती है। एक किलो बोलते हैं उधर, किला 50-60 लाख रुपए एक किले की ज़मीन, मतलब इस तरह से महंगी ज़मीन बिक रही है। और क्या होता है कि ये लोगों का सपना होता है। देखिए उड़ता पंजाब, ठगी से रिलेटेड बात करेंगे, कॉन्टेक्ट मेरी से रिलेटेड। पहले तो बात ये बता दूं, पंजाब में इतना भयंकर तरीके से ठगी चल रही है। ठगी कौन करती है भाई? पंजाब की लड़कियां। जी हाँ, आपके मुंह पे ये बातें बोल रहा हूँ, एविडेंस सबूत के साथ बातें करेंगे। और जो दिमाग ये गंदा खेल खेल के कनाडा पहुँचने की जो लड़कियों की चाल होती है ना, ये मैं मेरे मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडियन एम्बेसी में पूरा रिकॉर्ड है, पंजाब की एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी में पूरा रिकॉर्ड है। जल्दी ही इस पे कानून भी बन जाएगा, टेंशन न ले। जो पंजाब की लड़कियाँ, हिमाचल की लड़कियाँ ये जो बेवकूफ़ बना के लोगों के साथ शादी करके कॉन्टेक्ट मैरिज और कनाडा जाके आप मना कर देते हो ना, जल्दी आपके ऊपर ऐसा कानून बनेगा कि कनाडा से यहाँ की सरकार पुलिस खींच के आपको वापस लेके आएगी इंडिया। जी हाँ, डिपोर्ट करेगी वहाँ की सरकार। अभी इस पे कानून पे मांग उठने लगी है और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस मांग को उठाओ ताकि आपका भाई भला हो जाए। बता दूँ, दो वीडियो बनाऊंगा भाई, एक ये टॉपिक पे, कल एक वीडियो और बनाऊंगा। 3600 लड़कियों ने बेवकूफ़ बनाया, 150 करोड़ रुपए ठग लिए लोगों के, पंजाब के लोगों के। जी हाँ, यहाँ पे देखिए होता क्या है कि गरीब बेचारे घरों के बंदे, कम पढ़े लिखे बंदे होते हैं, गरीब तो नहीं होते भाई, ज़मीन बहुत है, पैसा उनके पास होता है, तभी तो 10-20-30 लाख रुपए लगा देते हैं ना शादी में, मैडम को फिर कनाडा भी भेज देते हैं, वहाँ जाके मना कर देती है, जी हमें तो शादी करनी थी, टाटा तलाक चाहिए, अब से तलाक नहीं दोगे तो देश का मुकदमा तैयार है। फिर पुलिस उनके खिलाफ 420-120 में मुकदमा दर्ज कर लेती है, नॉर्मल सा 10-15 दिन में घर वालों की जमानत हो जाती है, लड़के कनाडा पहुंच जाते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि यहाँ से उनके ऊपर मुकदमा अगर लगता है तो उनकी एम्बेसी उनको, कनाडा एम्बेसी या फिर कनाडा पुलिस उसको डिपोर्ट कर सके, ऐसा कानून अभी तक बना नहीं है। लेकिन अभी उसकी मांग उठ रही है, जल्दी उम्मीद है 2022 में ये कानून बन जाएगा, तो इस पर आप लोगों के लिए अच्छा है। देखिए उड़ता पंजाब की अगर बात करें तो विदेश जाने का सपना होता है, माँ बाप इतने लोग मजबूर हो जाते हैं, 30 लाख रुपए खर्च करके लड़की बहू को विदेश भेजा, बहू ने टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है जी, 30 लाख एक और केस में खर्च किए, माँ और बेटा, बहू ने वहाँ जाते ही मना कर दिया कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए, माँ और बेटा दोनों पागल हो गए। जी हाँ, 8 लाख खर्च कर दिया, दुल्हन ने केस कर दिया, यानी घर वालों पे ही केस कर दिया। जी हाँ, 23 लाख रुपए खर्च करके दुल्हन को कनाडा भेजा, वहाँ जाते ही बोल दिया मुझे तलाक चाहिए। ASI सब असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, उनके बेटे की शादी हुई, 25 लाख रुपए खर्च किए, वहाँ जाते पलटी मार गई कि मुझे तलाक चाहिए। अब बताओ जी, डिटेल से जानिए भाई इसका क्या है, दो वीडियो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लें। एक मेट्रा संगरूर पंजाब का विदेश भेजने की इतनी ज़्यादा खतरनाक चाल चलते हैं खास तौर से लड़की के माँ बाप। जी हाँ, पता नहीं यार क्या आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। यानी लड़की को आईलेट्स करवा दी, ठीक है जी, उसके अच्छे बैंड हैं, 6-7 बैंड के बाद में वो आसानी से कनाडा जा सकती है। उन्होंने अखबार में एक ऐड दे दिया कि हमारी लड़की आईलेट्स की हुई है, उसकी शादी करनी है अच्छे लड़के से। जी हाँ, तो भाई आपको पता है फिर ये मैटर है फरवरी 2019 का, रविंद्र कुमार अपने बच्चे सौरव सिंगला था, उनकी ऐसी कोई शादी, उसको भी विदेश भेजने का उनका सपना था कि भाई अपना बच्चा विदेश कनाडा पहुंचे। जी हाँ, तो उन्होंने वो ऐड देखा, उनके संपर्क हो गया, 30 मई 2019 को उनकी शादी हो गई। जी हाँ, शादी पे 25 लाख रुपए खर्च किए, बाद में उसको बहू को कनाडा भेजने के लिए जो गहना था वो भी उसको दे दिया, बहू कनाडा पहुंच गई, शर्त ये होती कि भाई वो वहाँ पहुंचने के बाद में सौरव को बुला लेगी। जी हाँ, जैसे ही इधर से कॉल किया गया सौरव को बुला ले तो वो धमकी देने लगती है, पैसों की और मांग करती है, मतलब इस तरह से रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है। पुलिस ने उन्होंने फिर FIR करवाई, पुलिस ने जाँच की, उसके माता पिता उनके खिलाफ में ठगी का मामला दर्ज कर लिया। बस
ठगी का मामले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। 30 लाख रुपए खर्च करके बहू को कनाडा भेज दिया। जी हाँ, बाद में पता चला कि अपने साथ ठगी हुई है। तो भाई माँ और बेटा दोनों, आपको पता है इतना खर्च करके, कर्ज करके किसी को भेजते हैं, बहू ऐसे अगर निकम भी निकल जाए। NRI बहू का नाम है पवनदीप कौर। जी हाँ, उसके मना कर दिया तो इतना सदमा लगा कि वो मानसिक रोगी हो गए, मेंटल तरीके से बोल सकते हैं ना, सदमा लग जाता है। तो अब होना क्या भाई, साजिश के तहत धोखाधड़ी की, 25 लाख रुपए खर्च कर दिए लेकिन ठगी, उसको ठगी मिली, ठगी हो गई उसके साथ। 40,000 रुपए के करीब तो उसके दिमाग का इलाज करवाने के लिए लग गए। फिर वो जमीन जायदाद बेच के, बेचारे सरकारी क्वार्टर थे उनके अंदर वो रहने लग गए। जी हाँ, तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कुछ, 17 लाख रुपए की, जी हाँ, एक बंदे के साथ ठगी हो गई। 13 दिसंबर 2020 को पत्नी कनाडा पहुंच गई, 17 लाख रुपए लेके टाटा बाय बाय कर दिया। जी हाँ, दुल्हन ने लगभग 8 लाख रुपए की ठगी कर ली, अब केस चल रहा है। जी हाँ, ये जालंधर का मामला है। गुरमीत सिंह ने पुलिस को बताया कि भाई मेरी पत्नी है, आईलेट्स कर चुकी है, वो कनाडा जाने के नाम से मेरे पास 8-9 लाख रुपए ले लिया, फिर कनाडा विदेश ले जाने से मुझे मुकर गई, यानी मुझे ले जाना नहीं चाहती। घटना उन्होंने पुलिस को पूरी स्टोरी बताई, थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। भाई देखिए, 23 लाख रुपए खर्च करवा कर विदेश गई, अब बोलती है तलाक चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही है रघुवीर सिंह, उसके बेटे हैं गुरविंदर सिंह, उनके साथ उनको उनकी एक लड़की थी, उसके साथ में शादी हो गई थी कि भाई आईलेट्स की हुई है लड़की, जैसे आईलेट्स वहाँ पहुँच जाएगी तो वो गुरविंदर सिंह को विदेश बुला लेगी। जी हाँ, जैसे उनकी 23 लाख रुपए लगा के शादी कर दी, कनाडा भेज दिया, कनाडा जाने के बाद में बहू ने तो फोन ही बंद कर लिया। जी हाँ, नहीं सास ससुर से, अपने हस्बैंड से किसी से बात नहीं बोली, बाद में उसने बोल दिया कि भाई मुझे तो ऐसा है कि बेटे से तलाक चाहिए। अब बताओ जी, यानी इतना गंदा खेल पंजाब में खेला जा रहा है। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे आंकड़े बताऊंगा और उसके खिलाफ में क्या एक्शन लिया जा सकता है। आपको खास तौर से पंजाब सरकार को इसमें कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, कि आने वाले टाइम पे ऐसे कानून बने कि ऐसी कुछ मैटर हो तो उसको वहाँ से डिपोर्ट किया जा सके, कनाडा से। तो वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिए भाई। बाकी सावधान रहो भाई, सतर्क रहो, खास तौर से उन लोगों को इसमें टारगेट किया जाता है जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसा है, वो विदेश जाना चाहते हैं, खास तौर से कनाडा, क्योंकि पंजाबी लोगों के माइंड में घुसा हुआ है कनाडा शब्द। कनाडा पहुंचा दो जी, जितना मर्जी पैसा लग जाए, हमारे किले सब बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इसलिए वो आईलेट्स की भी लड़कियों से शादी करते हैं और वो उनके साथ चीटिंग होती है। जी हाँ, लगभग 3,500 लड़कियों ने चीटिंग की है पंजाब में, पूरे आंकड़े नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये लंबा हो जाएगा, वीडियो पूरा देखिए। और उस पर कानून बनाने के लिए भाई आपके सांसद MLA या कुछ भी आपको करना पड़े वो तरीका मैं बताऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।